एक खातून ने सड़क के बीच में नौजवान को सैंडल से पीटा और थप्पड़ भी मारा। मारपीट को देखकर लोगों की बड़ी भीड़ मौके पर जमा हो गई। सड़क पर तकरीबन 15 मिनट तक नौजवान को मारने का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। खातून ने नौजवान पर छेड़छाड़ और गलत रिमार्क्स करने का इल्जाम लगाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों फरीकीन को पुलिस स्टेशन ले गए। मुरादाबाद के दहली रोड पर सर्किट हाउस से कुछ फासले पर एक खातून खाने की टोकरी लगा रही थी और इसी दौरान नौजवान ने उसके साथ छेड़छाड़ की। सीओ सिविल लाइंस डॉक्टर अनूप सिंह ने बताया कि दोनों फरीकीन को थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही। तहकीकात के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद के माझुला थाना इलाके का मुकम्मल मामला बताया गया है। क्या 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 नाम है आपका? मेरा नाम बबीता। बबीता जी, क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे मैं खाना बना रही थी, देखो मेरी रोजी रोटी है, ये हर बंदा आता है अच्छी तरह से। एक फोन नंबर इस बंदे ने मुझसे ये बोला कि खाना खाओगी या दिल मलाओगी, इसलिए बड़े होकर मुझसे कहा कि मेरी रोजी रोटी है सर, मैं इसको बताओ करीब करता हूँ मैं, बताओ। तो आपने कुछ तहरीर दी थाने में? अभी नहीं, कौन कहने वालेगा इससे, बताओ मेरी रोजी रोटी पे ऐसे हिसाब से बोलेगा यू? आप क्या किया पुलिस को? दे दिया भी नहीं? मैं 112 नंबर डायल करो। वीडियो में एक महिला एक पुरुष की पिटाई करती हुई दिख रही है। मौके पर लोगों की सूचना के आधार पर वहां पर पास में जो पिकेट हमारी थी वहां से पुलिस भी पहुंची, उन लोगों को थाने ले जाया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है किस वजह से आपस में विवाद हुआ और क्यों मारपीट हो रही थी, उसको उसका पता लगा करके नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी दोनों थाने पर उपस्थित हैं, दोनों पक्षों से बात की जा रही है। जो भी तहरीर वो देंगे, जो भी उस पर बात निकल कर आएगी, उसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई करेंगे।